जानवरों की चर्बी की मिलावट की खबर, फिर लैब रिपोर्ट में मछली का तेल जानवरों की चर्बी का जिक्र हुआ है। जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये जिक्र किया गया है कि हाँ प्रसाद में मिलावट हुई है, मछली का तेल, फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती थी, ये रिपोर्ट ऐसा दावा कर रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पूर्व की सरकार रेड्डी सरकार पर आरोप लगाया है। रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में मिलावट हो रही थी लेकिन उसको रोका नहीं गया, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के जितने भी आरोप थे उनको खारिज करते हुए कहा कि ओछी राजनीति हो रही है राज्य में। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि करोड़ों जो भक्त हैं उनकी आस्था का सवाल है। जब से ये खबर सामने आई है राज्य के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने यह बात कही है कि प्रसाद में, लड्डू के प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी मिलाई जाती है और वो भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है, तब से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को ठेस लगी है और राज्य में सियासत भी चरम पर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आज हम इस खबर का वैज्ञानिक विश्लेषण भी करने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मेरे दो सहयोगी केजे श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में पल्लवी भी हमारे साथ मौजूद होंगी क्योंकि डॉक्टरों से भी बात करना इस पर जरूरी हो जाता है। लेकिन केजे श्रीवास्तव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है और जब से ये खबर सामने आई है कि प्रसाद में मिलावट फिश ऑयल और रिपोर्ट भी ऐसा दावा कर रही है कि चर्बी की भी मिलावट हुई है, तो उस आस्था को ठेस पहुंची है और राज्य में सियासत भी चरम पर है। जी विपनेश, देखिए यह बात तो सही है कि तिरुपति मंदिर आस्था का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र भी है। यहाँ पर हर रोज 50 से 60 हजार भक्त दर्शन के लिए जाते हैं और रविवार और शनिवार की बात की जाए तो 80 से 1 लाख भक्त तक यहाँ पर हर रोज दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे धनी मंदिर इसे कहा जा सकता है क्योंकि भक्तों की आस्था इस तरह से है कि तेरा तुझ पर अर्पण, इस तर्ज पर वे भगवान को दिल खोल कर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। अब जहां तक इस पूरी विवाद की बात है तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा साल 2020 की एक घटना पर। दरअसल पिछले 50 सालों से कर्नाटका सरकार के डेयरी फेडरेशन की जो नंदिनी कंपनी है वहां से तिरुपति बालाजी मंदिर को सब्सिडी रेट पर लड्डू प्रसाद बनाने के लिए घी बेचा जाता था। यानी कि तिरुपति मंदिर, तिरुमला तिरुपति मंदिर प्रशासन कर्नाटक सरकार की नंदिनी जो डेयरी है वहां से घी खरीदती थी और वहीं से बनता था। अब साल 2020 में नंदिनी की ओर से साफ कह दिया गया कि वह उस सब्सिडी रेट पर अब और मंदिर प्रशासन को घी नहीं दे सकती है क्योंकि उसने उसे पशुपालकों को भी ज्यादा दूध के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन तिरुपति मंदिर प्रशासन मानने को तैयार नहीं हुआ और उसने साल 2020 में नया टेंडर जारी कर दिया घी खरीद के लिए। और घी भी कितना खरीदा जाता विपनेश, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 महीने में 1400 टन घी लड्डू प्रसाद बनाने के लिए खरीदा जाता है, यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में। और जिस कंपनी ने साल 2020 में घी खरीदने का टेंडर लिया उसी कंपनी के द्वारा सप्लाई घी को लेकर यह पूरा बवाल सामने आया है। कहा जा रहा है कि नंदिनी जिस तरह की शुद्ध घी देती थी उस तरह की शुद्ध या प्यूरिफाइड घी यह कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। और जब इसे लेकर एक लैब की रिपोर्ट आई तो उसका जिक्र बुधवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी किया और कहा कि इस मिलावटी घी जिसमें फैट के अंश मिले हैं, मछली के तेल की बात की पुष्टि हुई है, तो उस तरह की लैब रिपोर्ट आई है, यानी कि लड्डू प्रसाद के लिए जो घी यूज किया जा रहा था वह मिलावटी घी था। अब आपको एक बात समझनी होगी, यदि साइंटिफिक तरीके से देखा जाए जो भी गाय का दूध निकलता है उसमें फैट तो होता है, घी बनाते वक्त भी फैट का पूरा इस्तेमाल होता है, यानी कि बाजारों में जो घी मिलता है आप और हम जिसका उपयोग करते हैं वह शुद्ध घी नहीं कहा जा सकता, कहीं कहीं कुछ ना कुछ फैट, उसमें फैट का अंश रहता है। तो वही घी सप्लाई कर रही थी और उसी शुद्धता को लेकर यह पूरा बवाल भी सामने आया है कि क्यों इस तरह का घी मंदिर में जो करीब 300 साल से लड्डू प्रसाद वितरण का काम किया जा रहा था। ओके, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति में मिलने वाले प्रसाद को लेकर ऐसा दावा किया है जिससे भक्तों की आस्था को तो ठेस पहुंची ही है, साथ ही आंध्र प्रदेश का सियासी पारा भी गर्मा गया है। चंद्रबाबू नायडू ने पूर्ववर्ती पिछली जगनमोहन रेड्डी सरकार पर जानवरों की चर्बी और केमिकल मिलाकर तिरुपति बालाजी भगवान के लड्डू प्रसाद को अपवित्र बनाने का बड़ा आरोप लगाया है।
चंद्रबाबू नायडू की तिरुपति मंदिर के प्रति आस्था इसलिए भी अधिक है क्योंकि 1 अक्टूबर 2003 को तिरुमाला की पहाड़ियों पर ही नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से उनकी कार को उड़ा दिया था, लेकिन कार के बुलेट प्रूफ होने के चलते उनकी जान बच गई और वे उन्हें मिली इस दूसरी जिंदगी को तिरुपति बालाजी की ही देन मानते हैं। यही कारण है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले तिरुपति मंदिर के प्रसाद में हो रही मिलावट का ही मुद्दा उठाया। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా ఓసారి బాధేస్తుంది. నాసి రకమైన ఇంగ్రీడియంట్సే కాకుండా ఎనిమల్ ఫ్యాట్ కూడా వాడారని ఏది గీకు బదులు. ఈరోజు స్వచ్ఛమైన గీదేమన్నాం, ప్రక్షాళన చేయమన్నాం, నాణ్యత పెరిగింది, ఇంకా కూడా నాణ్యత పెంచుతాం. सुन लिया आपने, नायडू कह रहे हैं कि मंदिर में सालों से बनाए जा रहे लड्डू प्रसाद में जगन रेड्डी सरकार के राज में घी की जगह पशु चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब लैब रिपोर्ट आई तो उससे भी यह साबित हो गया कि लड्डू बनाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे घी में पशु वसा था, साथ ही घी में मछली का तेल, चर्बी आदि के अंश भी मिले। अब जरा इस पूरे विवाद के पीछे के कारणों को भी समझ लीजिए। दरअसल सालों से तिरुपति के लड्डू बनाने के लिए कर्नाटक सरकार की कर्नाटक मिल्क फेडरेशन डेयरी नंदिनी से शुद्ध घी की सप्लाई होती थी, लेकिन जगन मोहन रेड्डी की सरकार के दौरान जब सीएम जगन रेड्डी के चाचा वाईएस सुबा रेड्डी को तिरुमाला तिरुपति मंदिर का चेयरमैन बनाया गया था तो नंदिनी घी के साथ साल 2005 से 2020 तक चला आ रहा मंदिर प्रशासन का घी खरीदने का करार टूट गया क्योंकि दूध के दाम बढ़ने के साथ नंदिनी डेयरी ने पुराने दामों पर घी सप्लाई में असमर्थता जताकर सालाना टेंडर की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। बस फिर क्या था, मंदिर प्रशासन के चेयरमैन की तरफ से नई कंपनी को टेंडर दे दिया गया और उसी कंपनी पर आरोप है कि वह शुद्ध घी की बजाय जानवरों की वसा और चर्बी मिला घी सप्लाई करने लगी। और आंध्र प्रदेश में नई सरकार बनाने के बाद सीएम चंद्रबाबू नायडू को इस गड़बड़ी की खबर लगी। हालांकि जगन मोहन रेड्डी सरकार में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के चेयरमैन बनाए गए वाईएस सुब्बा रेड्डी ने सीएम नायडू के इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। Yesterday, our Chief Minister Chandrababu Naidu has commented baseless allegations, shocking allegations, like saying that in TTD, while YCP is in governance, animal fat being used. This is ridiculous. Entire, not only country, entire world, all Hindu devotees are hurt because of these comments. You should take back. आरोप प्रत्यारोप के इस दौर के बीच अब जरा आपको यह भी बता दें कि आखिरकार तिरुपति के लड्डू प्रसाद को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। दरअसल विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी के मंदिर में करीब 308 साल से लड्डू प्रसाद भगवान को भोग के रूप में चढ़कर उन्हें भक्तों को दिया जाता रहा है। साल 1715 से इस प्रसाद को यहाँ वितरित करने के प्रमाण भी मिले हैं। इस वक्त हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा लड्डू बनाकर प्रति लड्डू 50 रुपए की दर से अतिरिक्त लड्डू यहाँ आने वाले भक्तों को बेचा भी जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर आने वाले हर भक्त को 2 लड्डू प्रसाद निःशुल्क दिए जाने के बावजूद भी इनकी बिक्री से मंदिर प्रशासन को हर साल इसकी बिक्री से 150 करोड़ रुपए की आय हो जाती है। साल 2009 में इस लड्डू प्रसाद को GI टैग भी मिला है, यानी कि मंदिर परिसर के अलावा कहीं और इस तरह का लड्डू बनाकर उसे इस नाम से नहीं बेचा जा सकता है। त्योहारों, खास तौर पर ब्रह्मोत्सव के दौरान इन लड्डुओं की बिक्री सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 24 घंटों तक होती रहती है। उसे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। साल 2015 में सर्वाधिक 1.8 मिलियन लड्डू बेचे गए थे जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी कि टीटीडी के ट्रस्ट बोर्ड ने साल 2024-25 के लिए 5,142 करोड़ रुपए के बजट अनुमान को मंजूरी दे दी है, जिसमें से हुंडी के आने वाली 1,611 करोड़ रुपए की आय के साथ 150 करोड़ रुपए लड्डू प्रसाद की आय भी शामिल है। भालाजी दर्शन के बाद पिलिग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद बालाजी का प्रसाद, वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी, उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अडल्ट्रेटेड, वी गॉट एन रिपोर्ट दैट वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट ऑयल वाज मिक्स्ड इन दैट। It's a very bad thing happened for in Tirumala history. अब जरा यह भी समझ लीजिए क्यों तिरुपति बालाजी मंदिर को सबसे धनी मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर आम दिनों में आने वाले भक्तों की संख्या 50 से 60 हजार होती है और शनिवार और रविवार को यह संख्या बढ़कर 80 हजार और मंदिर में होने वाले विशेष उत्सव और आयोजनों के दौरान 1,00,000 से 1,25,00,000 भक्त यहाँ आकर दर्शन करते हैं। तिरुपति ट्रस्ट के पास कुल भगवान के नाम 11,329 किलो सोना है, जिसकी कीमत करीब 8,496 करोड़ रुपए है। ट्रस्ट ने इसे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत विभिन्न बैंकों में भी जमा कर रखा है। बैंकों में 13,287 करोड़ रुपए एफडी के रूप में जमा किए गए हैं, जिस पर सालाना 1,600 करोड़ रुपए का ब्याज मिलता है। अप्रैल 2024 तक तिरुपति ट्रस्ट के पास रिकॉर्ड 18,817 करोड़ रुपए कैश बैलेंस भी है। केजे श्रीवस्तन, ब्यूरो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए पूरा मामला हमने आपको सुनवाया और दिखाया कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, और अब तो सरकार ये कह रही है कि सनातन धर्म की बात है और इसके संरक्षण के लिए एक बोर्ड का गठन भी होना चाहिए, लेकिन इसका साइंटिफिक पहलू क्या है इसकी भी समझने की आवश्यकता है। मेरी सहयोगी पल्लवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, रिपोर्ट तो ये दावा कर रही है कि प्रसाद में फिश ऑयल और चर्बी की मिलावट हुई है, इस पर आपके पास क्या जानकारी है और डॉक्टर क्या सोच रहे हैं? देखिए बिल्कुल विपनेश, जिस तरीके से खबरें आई हैं और जिस तरीके से सियासत हो रही है उसको लेकर के देखिए, ये एक राजनीति का हथियार होता है और राजनीतिक द्वंद्व इसी तरीके से होते हैं, लेकिन जब आप सवाल करते हैं कि इसका साइंटिफिक पहलू क्या है, क्या साइंटिफिकली इसको हम कह सकते हैं कि इसमें मिलावट हुई है या फिर कुछ और है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, क्योंकि न्यूज़ 24 भरोसेमंद चैनल है और इसके जो व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को भरोसा करते हैं, और इसीलिए आज हमारे साथ इंटरनल मेडिसिन के जाने माने डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा मौजूद है। आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये दावा किया जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, उसमें कितनी सच्चाई है। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहला और अहम सवाल जिसको लेकर द्वंद हो रहा है, लेकिन हमको ये समझाइए डॉक्टर कि रिपोर्ट में बीफ टैलो लार्ड फिश ऑयल की बात की जा रही है, घी में क्या इस तरीके की चीजों का मिलावट बाहर से किया जा सकता है या किस तरीके की मिलावट हो सकती है इसमें? देखिए मैम, जहाँ तक सवाल है हमारी आस्था का, आस्था का डेफिनेटली एक अपना महत्व है, लेकिन जब हम साइंटिफिक बातों पे जाएं, अभी जो रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं, इन दिनों में जो हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये एडल्ट्रेशन है या नहीं कहना बहुत मुश्किल है, और जिस लेवल्स पे ये सारी आई हैं ये बिल्कुल एक नॉर्मली सोर्स के थ्रू भी आ सकती हैं। सो डेफिनेटली ये कहना कि ये डिलिब्रेटली इसमें एडल्ट्रेशन करके ये चीज़ की जा रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल है। जहाँ तक हम डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स और फैट्स की बात करें, जो कि मैं रोकना चाहूँगी डॉक्टर, आपने कहा नॉर्मल सोर्स से भी आ सकती हैं, यानी यहाँ इसको समझाइए नॉर्मल सोर्स क्या होता है। जैसे कि मैम आप काऊ घी की बात करें, काऊ घी के जब हम कंपोनेंट्स को हम एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ें वहाँ से भी आ सकती हैं कि सोर्स के अंदर जो डिफरेंट फैटी एसिड्स आ रहे हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उसके लेवल्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आ सकती है। इट डिपेंड्स कि हम जिस काऊ से ले रहे हैं उसके खान पान, उसके बहुत सारे, अगर उसे किसी तरह के मेडिकेशन दी गई होंगी, इन चीज़ों से भी उनके अंदर बदलाव की जा सकती हैं, आ सकती हैं रिपोर्ट्स में। इसलिए इस रिपोर्ट्स के बेसिस पे, नेचुरल जो कि नेचुरल हो सकती है बिल्कुल, इसलिए इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कहना कि इस तरह का एडल्ट्रेशन डेलिब्रेटली है बहुत ही मुश्किल है। अब अगर घी की बात की जाए तो घी में आमतौर पर ऐसी चीज़ें होती हैं,
जनरली पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति, ये सब चीज़ें जनरली घी के एडल्ट्रेशन के रूप में आती हैं और टाइम टू टाइम रिपोर्टेड भी हैं हर जगह पे, इसीलिए हमारे जितने भी एजेंसीज हैं इसके ऊपर लगातार काम करती हैं। बीफ टैलो की बात हो रही है, लार्ड की बात हो रही है, फिश ऑयल की बात हो रही है, तो क्या जैसे आपने कहा नॉर्मल सोर्स से आ गई, तो ये नेचुरल है कि इस तरीके से आ सकती हैं और घी में बनता है, क्योंकि आपने मात्रा की भी बात की है? बिल्कुल ये नेचुरल हो सकता है, इसीलिए मैं सब लोगों को कहना ये चाहूँगा कि इसके लिए हमें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है और इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये कहना कि इट इज़ ए डिलिबरेट केस ऑफ एडल्ट्रेशन बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जी। अच्छा अब ये बताइए डॉक्टर कि आपने कहा ये नॉर्मल प्रोसीजर में भी हो सकता है, तो अब ये बताइए कि क्या इसको ये कहा जा सकता है कि बाहर से मिला दिया गया, क्योंकि आपने तो कहा नॉर्मल है इतने कम आइटम, और अगर ये नेचुरल सोर्स से आ रहा है तो इसका फायदा क्या है? मैम जैसा कि मैंने कहा कि एडल्ट्रेशन है या नहीं ये इस रिपोर्ट पे बेसिस पे कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कंपोनेंट जो इस लिमिट्स के अंदर में आ रहे हैं दैट कैन बी फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ। दूसरी बात, हमारे ये फूड कंपोनेंट्स के अंदर में जैसे डिफरेंट टाइप के जो फैट्स होते हैं, फैट्स का भी अपना हमारी बॉडी में एक सिग्निफिकेंस है। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी, सेल्स के डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के काम में आता है। ये फैटी एसिड जो होते हैं हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ज़रूरत है। तो दिस सोर्स कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम द नेचुरल सोर्स, इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग इट, उस एनिमल की उस समय की कंडीशन क्या है, वेदर द एनिमल इज सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज, सम मेडिकेशन और सम फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन। मान लीजिए कि कोई एनिमल, मान लीजिए गाय ही बीमार नहीं है, अच्छी हेल्दी है, कोई समस्या नहीं है, कोई दवा भी नहीं दी गई है, तो भी क्या ऐसे आ सकता है? बहुत सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, जैसे अभी गाय के भी बछड़े होने के बाद अगर जो इनिशियल डेज में जो दूध आते हैं उसके अंदर को हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर फैट्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वो कंपोजिशन काफ़ी डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम एक ऐसे गाय के दूध से जो काफ़ी पहले का, जिसका एक बच्चे को जिसने जन्म दिया हो। तो ये भी टाइम टू टाइम वेरी करता है, उसमें भी फैट के परसेंटेज इसके हिसाब से वेरी कर सकते हैं, तो ये अनयूजुअल नहीं है जी। अब तो ये ना कहा जाए कि इस प्रसाद में मिलावट हुई है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है और कई जगहों पर इसी तरीके के प्रसाद में घी का इस्तेमाल होता होगा। अभी जिस तरह से रिपोर्ट आती है, जिस तरह की रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आप पक्के तौर पे नहीं बोल सकते कि इसमें डिलिबरेट तौर पे मिलावट की गई है। अच्छा डॉक्टर, जैसे आजकल एक कॉन्सेप्ट आ गया है वीगन होना, यानी आजकल लोग कहते हैं दूध भी नहीं पियेंगे, दूध भी तो गाय के खून से सींचा जाता है, गाय के खून से बनता है, क्या वो भी कहा जा सकता है कि वो एक मिलावट है? मैडम एक्चुअली अगर आप देखें, बीइंग ए वेजिटेरियन, वेजन और नॉन वेजिटेरियंस के बीच की लाइन जो है सो बहुत ही पतली है। आप किस सोर्स को आप वेज मान सकते हैं, किस सोर्स को नहीं, नॉन वेज आप वेज नहीं मान सकते, ये आपके सोच पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचेंगे एक तरह से कि एनिमल्स प्रोडक्ट कोई भी हो, अगर हम उसे बोलेंगे कि नॉन वेज के अंदर में आएगा, तो हम उसे बोल सकते हैं कि दूध पीना भी एक तरह से नॉन वेजिटेरियन है। बट बाय द एंड ऑफ द डे अगर हम साइंस की बात करें, साइंस के अंदर हमें क्या देखते हैं, हर चीज़ों को हम लोग चार कॉम्पोनेंट में देखते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं वो हमारी चार चीज़ों में बनी हुई है, चार चीज़ों की, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, लिपिड्स हैं, ये चार चीज़ कॉम्पोनेंट उसके अंदर हमें होंगे। ये हमें किस सोर्स से मिल रहा है ये हमें देखने की बात उस समय इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारा आस्था है, हम अपने में खाने के मामले में हमारे अपने प्रेफरेंसेस होती है कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किस सोर्स से खाएं। लेकिन जहां तक वेजन और नॉन वेजन की बात है, इसके बीच का लाइन बहुत ही पतला है और आप ऐसा सोच सकते हैं, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। अच्छा सर, एक चीज़ ये भी बताएं कि जिस घी की बात हो रही है, चलिए उसमें तो बीफ टॉक देखा गया या लार्ड देखा गया है, क्या ऐसे भी घी बनाए जा सकते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें ना हों? मैम इट डिपेंड्स, आप अगर प्योर काउ सोर्स से लेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि ये जो सारी लिमिट्स हैं वो सारी विद इन लिमिट्स आएंगी। अभी जो आप अगर आप लिमिट्स के अंदर आएंगी, लेकिन आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर, वो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि ये जो डिफरेंट फैट से जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में इतनी ज़्यादा सिमिलरिटीज होती हैं कि आप उनको डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा काफ़ी टेक्निकल काम है ये, तो वो एक लिमिट्स के अंदर आ सकती हैं। जैसे इस केस में थोड़ी लिमिट से जो चीज़ें बाहर गई हैं वो सारी हो सकती है लिमिट्स के अंदर आए, इन दैट केस यू विल से कि हाँ देयर इज नो एडल्ट्रेशन, बट ये सोर्स से आ सकता है ये। चलिए तो देखिए, हमने कोशिश की है कि डॉक्टर से समझने की यहाँ कि किस तरीके से साइंटिफिक पहलू क्या है, क्या इसमें मिलावट हुई या नहीं हुई। देखिए डॉक्टर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं दिखता है, और जो नॉर्मल सोर्स है उसके इसके साथ ये आता है, तो इसमें ये कहा नहीं जा सकता है कि इसमें मिलावट हुई है। लेकिन साइंस में और भी बहुत सारी चीजों का जिक्र आगे है, हम पल्ला में समझते रहेंगे, लेकिन डॉक्टर से आपने बात की, काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर हो गई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए News 24। खबर मतलब News 24। दिमाग से खेलो जूपी लूडो,
RCZupi.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। सिंगल ब्रांड शर्मा जी, एक बार जिस ब्रांड को ट्रस्ट किया तो